वेलकम टू सेफ स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरल डायनामिक्स पार्ट टू, दैट मींस सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मास सिस्टम और मास स्प्रिंग सिस्टम जो होता है वो चीज हम लोग देखेंगे, और पूरा डैम सिस्टम को हम लोग देखेंगे कि डैम्पिंग क्या होता है, अंडर डैम, ओवर डैम, क्रिटिकली डैम, इस सारी चीज को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जो पूरे चीज के ओवरव्यू, मतलब इसके टेक्निकली जो चीज आपको चाहिए, मैथमेटिकल चीज जो इसको समझने के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए, इस बैकग्राउंड के लिए हम लोगों ने एक पार्ट वन वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो प्लीज देखिए, उसके बाद वीडियो देखोगे तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। देखिए एक स्ट्रक्चर, कोई भी एक स्ट्रक्चर हो गया, अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर, ये ड्राइंग मेरा कुछ अच्छा नहीं है तो फिर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर अगर ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा अगर फोर्स आएगा, एक एफ फोर्स आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा इस डिरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर इसको 2D डायग्राम एक स्ट्रक्चर हो गया, ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर एक फोर्स आया, तो ये चीज ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट करेगा ना, ऐसा, ठीक है। अब ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट करेगा तो यहां पर ये जो कॉलम है, ये कॉलम इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, राइट। और ये चीज डिस्प्लेस हो रहा है इस डिरेक्शन पर, ये चीज यहां पर इस डिरेक्शन पर डिस्प्लेस हो रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग मान लेते कि यू है और ये चीज इस डिरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करिए एक स्प्रिंग सिस्टम को लेकर, एक स्प्रिंग के नीचे, एक स्प्रिंग के साइड पर, एक स्प्रिंग के नीचे एक वेट लाया गया, अब इसको डिओसिलेट किया गया, तो इस चीज को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी स्प्रिंग, खींचने की कोशिश करेगी स्प्रिंग, वही चीज ये कॉलम भी कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको मास स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं। तो वही चीज को हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसको सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों कहते हैं, देखो इस बॉडी को हम लोग सिर्फ एक ही डिरेक्शन पर मूवमेंट अलाउ किया है, एक ही डिरेक्शन पर, तो इसीलिए हम लोग सिंगल डिग्री ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं इसे, राइट। अब यहां पर ये चीज को सिंप्लीफाई करके यहां पर ऐसा दिखाया गया है, दैट मीन्स ये नहीं है कि ये चीज ऐसा ही होता है, ये चीज कुछ ऐसा होता है हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग हमारे कैलकुलेशन किस मतलब इजी होने के लिए, राइट। अब देखो एक मास, इसको हम लोग कन्वर्ट किए ऐसे, यहां पर ये एक मास है, हम लोग इस मास को ऑब्वियस सी बात है अगर इस डिरेक्शन पर मूवमेंट करेगा तो एक चीज हम लोग, आप लोग जान लीजिए कि इसके ऑपोजिट पे एक इनर्शिया फोर्स काम करता है, न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था। एक मास अगर इस डिरेक्शन पर कुछ एक्ट करेगा तो इसके एक मोशन अगर इस डिरेक्शन पर होगा तो इसका ऑपोजिट डिरेक्शन पे एक इनर्शिया फोर्स काम करता है, वो कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन मींस जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट मींस जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो होगा वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा आपका एक्सेलरेशन। तो अगर आप लोग ये चीज निकाल लिए, जो डिस्प्लेसमेंट u अगर निकाल लिए आप लोग, तो आपको तीनों चीज मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो इसलिए हम लोग ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक मास ये है और ये एक्सेलरेशन है, दो बार डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट को किया है हम लोग, तो ये चीज मोशन को ऑपोजिट काम कर रहा है, और ये चीज मास स्प्रिंग सिस्टम का जो स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस है के और डिस्प्लेसमेंट यू। अब के यू क्या है, के क्या है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्लीज देखिए वो वीडियो। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्टिफनेस, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू यू इज इक्वल टू, ये स्प्रिंग का फोर्स होता है कि जो खींचता है अपने तरफ, और ये चीज है मास, ये वेट है डब्ल्यू, और ये है इसका रिएक्शन। ये दोनों फोर्स का जो इक्विलिब्रियम है ये हमारा कोई काम का नहीं है, लेकिन ये कंडीशन हमारा काम का है, ये कंडीशन, इस कंडीशन को ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो ऐसे आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए ये फोर्स भी पीछे की तरफ, ये फोर्स भी पीछे की तरफ,
दैट मींस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इज इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, यही चीज आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और चीज बहुत सारे इंजीनियर्स बताएंगे कि यहाँ पर ये सपोर्ट आ रहा है तो ये फ्रिक्शन नहीं आएगा क्या? देखो इस कंडीशन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर रोलर लगा दिया हम लोगों ने, ये रोलर दैट मीन्स यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन आता तो इस डायरेक्शन पर फ्रिक्शन फोर्स भी आता जो कि होता μ × n, मतलब μ × रिएक्शन फोर्स होता जो इस डायरेक्शन पर काम करता। फिर इस इक्वेशन पर एक फ्रिक्शन फोर्स का भी एक फंक्शन आता, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये रोलर लगा दी है ना, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, इसलिए यहाँ पर रोलर लगा दिया हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट नहीं आता, सिर्फ यही आता है। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो इसके पहले वीडियो में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपली इसको अगर करोगे कि जो यू है, यू को आप लोग, यू मीन्स क्या है ये आप देखिए, सबसे पहले यू मीन्स है यू डबल डॉट मीन्स डी ऑफ यू बाय डी टी। अब डी टी ये दो बार डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन को आप कंसीडर कर लो डी, ये फंक्शन ही है ये डी डी स्क्वायर। अगर डी बाई डी टी को अगर आप मान लो कि डी, दैट मीन्स ये डी स्क्वायर होगा ना, सिंपली वही चीज है। अब इसका सी एफ निकालोगे, अब डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करके डी इज इक्वल टू ये कैलकुलेट करके ये निकलेगा। अब अगर कोई इमेजिनरी फंक्शन आता है तो इसके सी एफ का सोल्यूशन ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। अब अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाकर देख लो। मैंने पूरा बैकग्राउंड मैंने बताया था कि आपको स्ट्रक्चरल डायनामिक कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, वो सारे बैकग्राउंड मैंने बताया था। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए, आपका फ्रीक्वेंसी का नॉलेज होना चाहिए, स्प्रिंग का नॉलेज होना चाहिए, इस तीनों चीज मैंने वहां पर बैकग्राउंड के लिए बताया था स्ट्रक्चरल डायनामिक्स पार्ट वन पर, ठीक है। अब यहां से आप लोग यू कैलकुलेट करोगे, अब यू कैलकुलेट कर लिए तो यू डॉट भी कैलकुलेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक बार, तो यू डॉट दैट मींस ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी आप लोग कैलकुलेट कर लिए। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट है ए और बी, ये दोनों कॉन्स्टेंट को आपको हटाना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट हटाने के लिए सिंपली बाउंड्री कंडीशन का अप्लाई करोगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन है ये चीज, टी इज इक्वल टू जीरो पर यू इज इक्वल टू यू जीरो, मतलब इनिशियल कंडीशन पर डिस्प्लेसमेंट, और यू डॉट इज इक्वल टू वी जीरो इनिशियल कंडीशन पर वेलोसिटी। ये बाउंड्री कंडीशन आप लोग इस इक्वेशन में बिठाओगे, यहां पर बिठाओगे टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो और यू इज इक्वल टू यू जीरो बिठाओगे, तो इसका जो वैल्यू ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो मतलब जीरो, और इसका वैल्यू वन हो जाएगा, दैट मीन्स यू इज इक्वल टू ए। यहां पर भी सिमिलर चीज, ये जीरो हो जाएगा और इसका वैल्यू वन हो जाएगा, दैट मीन्स यू डॉट इज इक्वल टू, मतलब v0 is equal to b omega। अब v0 यहां से क्या होता है, t is equal to 0 पर u dot is equal to, मैंने हम लोगों ने बताया था ना कि t is equal to 0 पर u dot is equal to v0, वही से हम लोग v0 is equal to b omega निकाल लिए। अभी a और b का जो कांस्टेंट का वैल्यू है ये हम लोग इस इक्वेशन में बिठाएंगे, इस इक्वेशन पर लाएंगे, दैट मीन्स इस इक्वेशन पर। अब इस इक्वेशन पर लाने के बाद ये डेटा हम लोगों को मिलेगा। अब देखो ये है एक ऑसिलेटरी फैक्टर, दैट मीन्स ये ऐसा चलता ही रहेगा। क्यों? साइन और कॉस का अगर वैल्यू आ गया, साइन और कॉस का ग्राफ ही ऐसा ऑसिलेटरी मोशन, ये चलता रहेगा। यही चीज इसका अगर प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसा आ रहा है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देखो यू जीरो हम लोगों ने मान लिया, और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो वी जीरो है। अब इनिशियल वेलोसिटी एंगल क्यों बता रहा है, ये एंगल क्यों है? देखो velocity equal to acceleration by time, acceleration by, वही चीज तो स्लोप है ना, वही चीज स्लोप है ना, वही चीज यहां पर है, दैट मीन्स ये v0 है इनिशियल। तो ये चीज चलता रहेगा, और एक बार साइकिल, एक साइकिल पूरा करने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड है, तो t is equal to 2 pi by omega, ओके ओके, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज मैंने बताना भूल गया कि ओमेगा क्या है। ओमेगा है सिंपली स्टिफनेस बाई एम, स्टिफनेस बाई एम, ये के बाय एम, ये है ओमेगा स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है के बाय एम,
ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो देखिए, ये यहाँ पर सबसे पहली बात जो है, सबसे पहली बात जो मैंने बताया था कि आप लोगों को, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, सबसे पहली बात जो मैंने बताया था कि आप लोगों को कि ये जो कंडीशन है, ये है जिस कंडीशन को कहते हैं हम लोग सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री वाइब्रेशन। ये यहां पर सिर्फ एक ही कांस्टेंट के जो पीछे की तरफ खींच रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में सोच के देखिए कि सिर्फ एक ही कांस्टेंट, एक ही स्प्रिंग पीछे की तरफ खींचेगा और कोई चीज नहीं है। बहुत सारे कंडीशंस है जो पीछे की तरफ खींचेगा, जो एयर भी फ्रिक्शन देगा ना, जिसको रोकने की कोशिश करेगा। बहुत सारे फंक्शंस है जो इसको स्टैटिक कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब एनी स्ट्रक्चर व्हिच इज वाइब्रेटिंग, इट विल कम टू रेस्ट। द फेनोमेनन थ्रू व्हिच वाइब्रेशन कम टू रेस्ट कॉल्ड डैम्पिंग। अब ये डैम्पिंग जो है, ये जिस फेनोमेनन की वजह से रेस्ट कंडीशन में आता है, मतलब एक चीज, एक बॉल आपने ऐसे लटका कर, आप एक अगर इसको फोर्स दिए कि ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये पूरा जिंदगी तो नहीं करेगा ना, थ्रू आउट द लाइफ एक टाइम आएगा जो ये रेस्ट पे आएगा। जिस फेनोमेनन की वजह से ये चीज रेस्ट पे आ रहा है, वो उसको हम लोग कहेंगे डैम्पिंग, ठीक है। अब ये डैम्पिंग भी एक चीज हम लोगों ने जोड़ दी यहाँ पर, जिसके वजह से ये रेस्ट कंडीशन पे आ रहा है, इसलिए डैम्पिंग कॉन्स्टेंट। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? एक इनर्शिया फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है एज यूजुअल, एक कॉन्स्टेंट के इंटू यू स्प्रिंग सिस्टम के लिए काम कर रहा है पीछे की तरफ, एक कॉन्स्टेंट सी और यू डॉट सी यू डॉट यू डॉट सी इंटू यू डॉट ई डैम्पिंग फोर्स है। डैम्पिंग फोर्स ई सी यू डॉट ई, दैट मीन्स ई वेलोसिटी है, सी इंटू वेलोसिटी है डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। अब ये डैम्पिंग फोर्स, इसका अगर एक इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन का इक्वेशन निकालोगे कुछ ऐसा आएगा। ये भी सारी चीज पीछे की तरफ काम कर रहा है, तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ये तीनों चीज का पॉजिटिव सम ऑफ जीरो होगा, राइट। अब इसका सम ऑफ जीरो होने के बाद इसको अगर सोल्यूशन को अगर सॉल्व करोगे और डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से, तो आपका सी एफ अगर निकालोगे, तो जो इसका U डॉट को हम लोग यहाँ पर U डॉट को अगर मान लेते हैं कि ये डी यू डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। अब ये डी यू बाई डी टी को हम लोग मान लिए हैं कि P, राइट, ये मान लिए है P। अब अगर इसको P मान लिए तो इसको P स्क्वायर, दैट मीन्स इसको पी स्क्वायर मान ली, ये डबल डॉट पी स्क्वायर। अब इसका सी एफ निकालने के लिए हम लोगों ने जो प्रोसेस में बताया था, फिर बोल रहा हूँ कि पार्ट वन को देखिए या डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा नॉलेज गेन करिए, नहीं तो ये स्ट्रक्चरल डायनामिक आप पढ़ नहीं पाओगे। स्ट्रक्चरल डायनामिक के एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, मैथमेटिकल थोड़ा लेंदी है, ठीक है, कुछ इक्वेशन का आता है कुछ चीज, तो ये भी एक ड्रॉबैक है स्ट्रक्चरल डायनामिक्स का, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट है स्टैटिक कंडीशन से, ये बहुत एक्यूरेट है, इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में स्ट्रक्चरल डायनामिक्स से इम्प्लीमेंटेशन लाते हैं, राइट। अब देखिए, इस कंडीशन का अगर सोल्यूशन निकालो, इसका अगर सोल्यूशन निकालो, तो दो चीज आने की संभावना है। एक हमारा बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, हमारा जो पूर्वज थे श्रीधर आचार्य जी, श्रीधर आचार्य जी ने जो फॉर्मूले दिए थे इसका सोल्यूशन के लिए, ये कुछ ऐसा है, राइट। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, इसका जो सोल्यूशन है, ये दो रूट आएगा, एक प्लस के लिए आएगा, एक माइनस के लिए आएगा, दो रूट आने की संभावना है ना, राइट। ये जो, क्योंकि यहां पर दो है, टू है, तो इसका सोल्यूशन दो आएगा, तो दो आएगा, एक पी वन एक पी टू। अब इसका अगर सी एफ निकालोगे, इसका दो सोल्यूशन अगर निकल गया, तो सी एफ निकालोगे कुछ इस तरह से आएगा। अब नाउ इसका सोल्यूशन, ये पूरा चीज का जो सोल्यूशन है, ये डिपेंड करेगा आपके इस रूट के ऊपर। अगर ये रूट नेगेटिव निकल गया, तो एक इमेजिनरी कंडीशन आएगा ना, एक आई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर ये जीरो निकल गया, तो सिर्फ ये आएगा, ये रहेगा। अगर ये पॉजिटिव निकल गया,
तो कुछ पॉजिटिव रियल नंबर्स आएगा। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, इसीलिए इस कंडीशन के ऊपर ये पूरा इक्वेशन डिपेंड करेगा। अब अगर ये चीज अगर जीरो निकल गया, ये पूरा चीज रूट के अंडर भी पूरा चीज अगर जीरो है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे क्रिटिकली डैम्प कंडीशन। अगर क्रिटिकली डैम्प कंडीशन, दैट मीन्स ये अंदर का चीज जीरो निकल रहा है, तो क्रिटिकली डैम कंडीशन पर सी इक्वल टू सी आर, जो डैम कॉन्स्टेंट है, सी इक्वल टू सी आर कंसिडर करते हैं हम लोग, तो इस कंडीशन में सी आर का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, इसको हम लोग जीरो करके यहां से ये चीज निकाल रहे हैं। अब इस इक्वेशन को ऊपर नीचे एम मल्टीप्लाई कर दो, एम मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, एम मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर 2 into m ये चीज आएगा, और ये m अगर रूट के अंदर जाएगा तो k into m by m square होगा, रूट ओवर ऑफ राइट m square होगा, तो एक m कटेगा तो k by m आएगा, तो k by m means क्या, ओमेगा स्क्वायर राइट, तो रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर मीन्स एक ओमेगा, सब वही सी सी आर इजिकल टू 2m ओमेगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ओमेगा को 2k बाई ओमेगा भी हम लोग लिख सकते हैं, आपको मर्जी कैसे लिखो आप। अब यहां पर सी सी आर इजिकल टू 2m ओमेगा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2k बाई ओमेगा राइट, आप कैसे भी लिखो आपकी मर्जी। तो एक चीज देखो कि इसका सोल्यूशन कुछ पी और पी वन, इसका जो सोल्यूशन आएगा अगर ये जीरो आ रहा है, ये अगर जीरो पार्ट आएगा, तो इसका सोल्यूशन कुछ सिर्फ यही आएगा जो पी वन और पी टू दोनों के लिए ही सेम आ रहा है, तो इसका जो अल्टीमेटली जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन कुछ इस तरीके से आएगा। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया था कि एम वन इजल टू एम टू रहेगा तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, एम वन इजल टू एम टू रहेगा तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, तो वही चीज यहाँ पर निकल रहा है। तो वही चीज निकलने के बाद डैम्पिंग कंडीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वैल्यू ये है। हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही निकालेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो वेलोसिटी भी निकल जाएगा, एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो मास को उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग फोर्स निकल पाएंगे, इसलिए डिस्प्लेसमेंट अगर निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा, इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर भी फोकस करते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे कि ओवर डैम्प कंडीशन, ओवर डैम्प कंडीशन मीन्स जो सी है, कॉन्स्टेंट सी है, उसका जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन ऑफ सी सी आर रहेगा। क्रिटिकल कंडीशन का जो सी सी आर है वो से ज्यादा होगा, दैट मीन्स जो कोफिशियंट है डैम्पिंग कोफिशियंट वो सी सी आर से ज्यादा रहेगा, दैट मीन्स जो ऑसिलेशन है, जो इसका सोल्यूशन है, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये कुछ रियल नंबर आएगा ना, ये कुछ रियल नंबर आएगा। अबे रियल नंबर आएगा दैट मीन्स इसका यहां पर कुछ ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा है जो इसको ऑसिलेटरी मोशन देगा। ऑसिलेटरी मोशन के लिए हम लोग इक्वेशन कैसा चाहिए, कॉस का कुछ डेटा चाहिए या कॉस चाहिए, साइन चाहिए, जो आपको रिपीटेटिव एक कर्व देगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव आ गया वो सोल्यूशन, ये सोल्यूशन अगर पॉजिटिव आ गया, ये सोल्यूशन अगर पॉजिटिव आ गया तो ये कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव में वैल्यू आएगा, लेकिन ये आई का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। अगर आई का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल के हिसाब से कोई साइन है कॉन्सेप्ट कॉस का वैल्यू ही नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये रियल नंबर आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी नहीं होगा, दैट मीन्स ये ऑसिलेटरी नहीं होगा। ऑसिलेटरी फंक्शन साइन और कॉस नहीं है इसलिए ऑसिलेटरी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो जो कर्व आप लोग देख रहे हो कि इस क्रिटिकल डैम्प की तरह ही कुछ कर्व आएगा, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल डैम्पिंग में भी हम लोग देखे हैं कि वहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है या नेगेटिव वैल्यू कुछ भी आ रहा है लेकिन रियल नंबर आ रहा है। लेकिन यहां पर सेम चीज, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आएगा लेकिन रियल नंबर आएगा, तो क्रिटिकल डैम्पिंग की तरह ही कुछ हम लोग कर्व देखने को मिलेगा। यू जीरो इनिशियल कंडीशन पर ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी इनिशियल कंडीशन पर, और ये कुछ ऐसा कर्व दिखेगा, ठीक है। अब इसका डैम्पिंग कंडीशन, जो डैम्पिंग है ये अगर जितना ज्यादा रहेगा तो इसको इनिशियल नेचुरल पोजीशन पे आने के लिए, इनिशियल कंडीशन पे आने के लिए उतने ज्यादा टाइम लगेगा। अब इसका हो गया ओवर डैम्प कंडीशन का वैल्यू। अब ओवर डैम्प कंडीशन
कंडीशन ये है, सी ग्रेटर देन सी आर, कॉन्सेप्ट मैंने बता दी कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आता है। अब देखिए अंडर डैम्प कंडीशन जो जो कि होता है प्रैक्टिकल कंडीशन में ज्यादा हिसाब से, तो सी लेस देन सी सी आर क्रिटिकल कंडीशन ज्यादा होगा क्रिटिकल कॉन्स्टेंट सी से, इसको हम लोग अंडर डैम कंडीशन कहेंगे। दैट मीन्स ये जो वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, रूट ओवर ऑफ माइनस वन, हम लोग बोल सकते हैं ना आई यही तो इमेजिनरी नंबर है आई, तो यही चीज हम लोग बाहर निकाल दिए, हम लोग मान रहे हैं कि आई रूट ओवर माइनस वन अंदर आ रहा है, माइनस कॉमन लेकर माइनस वन रूट ओवर माइनस वन मतलब आई को बाहर कंसिडर कर दे। अब इसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे, देखो इसका इमेजिनरी सोल्यूशन आएगा हम लोग पता चल गया। अब इसका इमेजिनरी अगर ये ए प्लस माइनस आई बी, हम लोग पढ़े थे ना डिफरेंशियल इक्वेशन पे, अगर इमेजिनरी सोल्यूशन आता है ए प्लस माइनस आई बी अगर आएगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन ये होगा राइट। अब इसका सोल्यूशन ये हो रहा है तो इस यहां पर दो कॉन्स्टेंट ए और बी आ रहा है, इसका भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ए और बी क्या है। और ये ओमेगा डी, ये ओमेगा डी क्या है कि ओमेगा डी है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, कि डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब डैम सिस्टम पर डैम्पिंग कंडीशन पर जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है डैम सिस्टम पर वो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है। अनडैम्प्ड कंडीशन पर जो फ्रीक्वेंसी आएगा सिर्फ ओमेगा, इसको हम लोग कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड कंडीशन पर जो आ रहा है उसको हम कहेंगे डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी राइट। अब यहां पर सी बाई सी आर इसको कहते हैं डैम्प्ड रेशियो, सी मतलब जो नॉर्मल डैम्पिंग आ रहा है और क्रिटिकल डैम्पिंग इसका जो रेशियो है इसको कहेंगे डैम्पिंग रेशियो, सेवन से हम इसको डिनोट करेंगे। अब बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन इस सॉल्यूशन प्रॉब्लम का, बाउंड्री कंडीशन मींस व्हाट, बाउंड्री कंडीशन मींस t इज इक्वल टू 0 व्हिच मींस u इज इक्वल टू u0 एंड u डॉट इज इक्वल टू v0। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, मैंने पहले कंडीशन में जो बताया था कि इसके डिफरेंशिएट करोगे तो u डॉट जो आएगा u डॉट आएगा, अभी टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, अब u डॉट इज इक्वल टू v0 होगा, तो उन दोनों से आप a और v का वैल्यू निकालोगे, निकालकर इस इक्वेशन पर फिर बिठाओगे तो कुछ इक्वेशन ऐसा आएगा सोल्यूशन। अब सोल्यूशन कुछ ऐसा आने के बाद डैम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन td 2 पाए बाय ओमेगा d ये मान लीजिए, और ये ओमेगा d इज इक्वल टू दिस वन, ये चीज भी आप लोग ध्यान पे रखिएगा, ओमेगा d इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, ओमेगा d इज इक्वल टू दिस वन, ये होता है राइट। अब इसके बाद देखिए ये एक सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन यहां से अगर कर्व ड्रॉ करोगे तो बहुत ही क्रिटिकल आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सर्फेस, तो इस सोल्यूशन का भी एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है जो कि ये है, मतलब इसका एक और तरीके से अगर सोल्यूशन निकालोगे तो कुछ ऐसा आएगा राइट। अब सी एक कॉन्स्टेंट है राइट, सी एक कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू जो है ये है c इज इक्वल टू दिस वन, ये यही कंडीशन को आप और तरीके से दिस वन अप्रोक्सीमेट सेम, दोनों सेम है, लेकिन दोनों दो तरीके से आप सोल्यूशन निकालोगे, एक सोल्यूशन निकालोगे एक तरीके से, सोल्यूशन निकालने के बाद ये एक तरीके से निकालोगे, तो ये वैल्यूज दोनों क्या ही सेम है। और ये देखो यहां पर एक फंक्शन आ रहा है cos ओमेगा t माइनस अल्फा, देखो ये साइन और cos का वैल्यू यहां पर आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑसिलेशन देगा, एक ऑसिलेशन वैल्यू देगा अगर एक कर्व ड्रॉ करेगा तो, एक कर्व ड्रॉ करोगे तो भी वैल्यू ऐसा कुछ आएगा ना, तो वही चीज। अब साइन कब आएगा कॉस कब आएगा, देखो साइन और कॉस का इम्प्लीमेंटेशन कर्व में कैसे होता है मैं बता रहा हूं, देखो अगर साइन होगा तो इनिशियल कंडीशन में कोई पिच नहीं होता, मतलब जीरो से शुरू होता है, ऐसा आएगा। अगर कॉस होगा तो इनिशियल में कुछ पिच होगा, मतलब जीरो से नहीं शुरू होगा, वो उसका कर्व ऐसा शुरू होगा, ठीक है। अब साइन तो यहां पर नहीं कॉस है, मतलब इनिशियल कुछ पिच लेकर शुरू हो रहा है, मतलब इनिशियल कुछ यूजरो लेकर शुरू हो रहा है, तो इनिशियली ये ऐसा आ रहा है, ये कर्व कुछ ऐसा जा रहा है, जाने के बाद ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये चीज इस सारे चीज को अगर आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो चीज हो रहा है ना, ये चीज दिस मीन्स इक्वल टू दिस वन, ठीक है, और कॉस का जो ग्राफ है ये ऐसा।
अब एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि टाइम पीरियड इसका सेम है, कर्व जैसा भी हो, देखो यहां से यहां तक का वैल्यू टीडी, सॉरी यहां से यहां तक का वैल्यू टीडी, अब यहां से यहां तक का जो वैल्यू है ये भी टीडी, दैट मीन्स ये टीडी ये टू टीडी, तो टाइम पीरियड इसका कुछ चेंज नहीं है, मतलब इसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी से ये अंडुलेट कर रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है, दैट मीन्स ये नहीं है कि टाइम पीरियड इसका अलग होगा, टाइम पीरियड इसका सेम रहेगा, मतलब वही टाइम पर ये इनिशियल कंडीशन पे आएगा। अगर ये तेजी से ड्रॉ करे, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसके हिसाब से, इसके स्पीड बहुत सारी चीज चेंज हो सकता है, लेकिन टाइम पीरियड इसका चेंज नहीं होगा, राइट। वही चीज मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर ऑसिलेशन अंडर डैम्प्ड कंडीशन पे आता है, क्यों आता है मैंने बता दिया कि ये दोनों फंक्शन आ रहा है, तो आई होप समझ गए कि ये होता क्यों है, कैसे होता है, तो आई होप आप लोग समझ गए डैम्प्ड कंडीशन अंडर डैम्प्ड कंडीशन सारे कंडीशन आप लोग समझ गए। जिसके बाद हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी को समझेंगे, एक बिल्डिंग को देखेंगे कि बिल्डिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते, बिल्डिंग का सिस्टम एनालिसिस कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज जानने के लिए बाकी है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।